केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। केरल अपने लोकप्रिय हिल स्टेशनों, शानदार बैकवाटर, नारियल के पेड़, विशाल चाय के बगानों और भव्य चाय संपदा आदि के साथ बहुत प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारतीय राज्य अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। केरल की ऐसी बहुत सारी रोचक और चौंका देने वाली बातें हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, केरल का पुराना नाम त्रावणकोर है, पर इसको 1 जुलाई 1949 को बदलकर केरल कर दिया गया। त्रावणकोर, कोची और मालाबार तट तीनों को मिलाकर केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये राज्य सबसे आगे माना जाता है, जिसे 1991 में भारत का पहला पूर्ण शिक्षित राज्य घोषित किया गया था। यहाँ की साक्षरता दर सभी राज्यों में सबसे अधिक है, जो कि 96% है। दोस्तों, करप्शन से तो हर कोई परेशान है और सभी तरफ करप्शन भरा पड़ा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जाना जहां पर करप्शन सबसे कम है तो आप केरल की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि केरल भारत का सबसे कम करप्शन वाला राज्य माना जाता है। यहां के अधिकतर लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर अधिकतर चावल की खेती की जाती है और यहाँ के लोग चावल खाना बहुत पसंद करते हैं, जो कि यहाँ का मुख्य भोजन है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे अधिक आत्महत्या के केस इसी राज्य से आते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक आत्महत्या इसी राज्य में होती है। दोस्तों, केरल राज्य का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और यहाँ 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग केरल में ही किया गया था और शायद इसीलिए यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। दोस्तों, शंकराचार्य का जन्म भी केरल में ही हुआ था। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो कि अभी तक बहुत प्रसिद्ध है और पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों, अगर नदियों की बात करें तो केरल में कुल 44 नदियां बहती हैं, जिनमें से 41 पश्चिम में तथा 3 पूर्व में बहती हैं। केरल अदरक, केले, चाय एवं कॉफ़ी के उत्पादन में भारत में सबसे पहला राज्य है। दोस्तों, रबर भी लोहा लकड़ी की तरह एक बहुत ही आवश्यक पदार्थ है, जिसका उत्पादन केरल में सबसे अधिक किया जाता है, जो कि 91% है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब आप काम के बाद घर वापस लौटते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खाना खाने को मिले और यह काम बखूबी करते हैं गरम मसाले, जो कि केरल में सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। केरल में मसालों के बड़े बड़े बाग हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्या आप भी हाथी देखने और उसकी सवारी करने के शौकीन हैं? अगर हाँ तो आप केरल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जगह एशियाई हाथी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क केरल में ही बनाया गया है, जिसे टेक्नो पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे 1990 में बनाया गया था और आज इसमें 60,000 से अधिक लोग काम करते हैं।
केरला में 10,000 आयुर्वेदिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां के लोग लाइट कॉटन के कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, लड़का लड़की में फ़र्क तो बहुत पहले से ही होता आ रहा है, जिसके कारण बहुत सी लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। लेकिन केरल में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ 1,000 पुरुषों के पीछे 1,058 महिलाएं हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी केरल के बारे में कुछ खास जानकारी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।